में डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों के विरोध में जिला कांग्रेस कार्यालय से विरोध करते हुए साइकिल यात्रा निकाली गई। ये यात्रा नगर के प्रमुख चौराहे से होते हुए घंटाघर तक पहुंची। इस यात्रा में केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए केंद्र सरकार का पुतला भी जलाया गया। इसी बीच कांग्रेसियों और पुलिस के बीच झीना झपटी भी हुई। कांग्रेसियों ने एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम भी सौंपा। कांग्रेसियों की मांग थी कि केंद्र सरकार द्वारा लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे आम जनता को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। साथ ही साथ परिवहन सेवाओं के दाम बढ़ने से महंगाई और भी बढ़ रही है। कांग्रेसियों ने ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति को गुहार लगाई है कि डीजल और पेट्रोल के दाम कम किए जाएं। न्यूज़ लाइफ एमपी के लिए दमोह से विवेक सेन की रिपोर्ट। आज पूरे भारतवर्ष में मोदी सरकार ने जो पेट्रोल और डीजल के भारी रेट बढ़ा कर रखे, 21वें दिन तक इतना रेट बढ़ाया है और ये तो विश्व में कभी ऐसा नहीं हुआ कि दिल्ली में पेट्रोल के रेट कम और डीजल के रेट ज्यादा। और डीजल के रेट से सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है किसानों को, बोनी का काम लगा हुआ है और वैसा ही पूरा देश कोरोना जैसे संकट से जूझ रहा है। एक तरफ पूरा भारत कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, जहाँ पे आर्थिक मंदी है, और मध्य प्रदेश की हॉर्स ट्रेडिंग की सरकार, नरेंद्र मोदी की निरंकुश सरकार पिछले 15 से 20 दिनों से निरंतर डीजल और पेट्रोल के रेट में वृद्धि कर रही है, जिससे हमारा आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। बस वाले कैसे बस चलाएंगे, ट्रांसपोर्टर कैसे चलाएंगे, किराया भाड़ा बढ़ेगा, इस प्रकार और ज़्यादा आर्थिक मंदी बढ़ेगी। साथ ही साथ किसानी का समय आ गया, पूरा किसान परेशान है। उसी को लेकर आज युवक कांग्रेस के साथियों के साथ जिला कांग्रेस के आदेश पर आज ये साइकिल यात्रा निकाली और हम सब ने विरोध प्रदर्शन किया।